दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं एक नए बिजनेस प्लान के साथ। तो आज हम आपको बताते हैं इस बिजनेस के बारे में। उससे पहले याद दिला दें कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले मैसेज के द्वारा नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं पेपर ग्लास बनाने के बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेपर ग्लास यानी कि कागज़ के ग्लास बनाने का बिजनेस। आपने देखा है कि जिस तरह से पॉलीथीन को बैन किया गया है, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद से कागज के उद्योग है ना, वो काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रख कर के आज आपके लिए हम लाए हैं पेपर कप बनाने के व्यवसाय के बारे में जानकारी। तो पेपर कप व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कहीं भी और कोई भी शुरू कर सकता है और ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये ग्लास निर्माण पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही अनुकूल माना जाता है और इसकी खास बात यह है कि इस ग्लास को नष्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पॉलीथीन वाला ग्लास होता है ना, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको आप आसानी से नष्ट कर सकते हैं। और तेजी के साथ बदलती जीवन शैली के साथ ही पेपर ग्लास का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसको आप कॉफ़ी की दुकानों, होटलों में, सुपरमार्केट, शैक्षिक संस्थानों, कैंटीन आदि में इसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ शादी विवाह पार्टियों में भी आप इसका उपयोग होते हुए देख सकते हैं। तो क्यों ना आप भी इस बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकें। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होती है सबसे पहले मशीन की, मशीन जिससे कि कागज़ के या फिर कहें कि पेपर के कप बनाए जाते हैं। और दूसरा आपको कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। ये कच्ची सामग्री पेपर होता है जिस पे कि मोम या फिर पॉलीथीन कोटेड होती है, जिससे कि जिसमें कोई भी सामान भरा जाए तो उसको कागज़ मतलब गीला ना हो उसके द्वारा, इसलिए इसको कोटेड किया जा सकता है। ये आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। जब आप पेपर के कप बना लेते हैं, उनको सेल करना होता है, तो उससे पहले आपको बता दें कि इसकी लागत कितनी आती है। जब आप देखिए, दो तरीके से कागज़ के ग्लास को बनाया जा सकता है। इसमें एक तो प्रिंटेड पेपर कप होते हैं और दूसरा प्लेन। प्रिंटेड पेपर कप जो होते हैं उनकी लागत आपको लगभग 60 पैसे पर पीस की पड़ती है, जिसको आप मार्केट में 1 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल करते हैं। दूसरा प्लेन पेपर कप होते हैं, उनकी कॉस्ट लगभग 30 पैसे पड़ती है, जिसको आप 80 पैसे प्रति पीस के हिसाब से मार्केट में सेल कर देते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में काफ़ी स्कोप है, काफ़ी प्रॉफिट है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एमएसएमई से आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर अपने जिला उद्योग केंद्र या फिर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से भी संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इन गिलासों को बनाना काफ़ी आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गिलास के आकार के कटिंग पॉली कोटेड पेपर मशीन में लगता है, जो कि हल्का गीला होता है। इसको गोल कोन बना देती है मशीन। और दूसरे चरण में इसके कागज़ के जो होता है उसके गोल तली लगती है उसके नीचे। जब तली लग जाती है तो उसके बाद ग्लास की जांच प्रक्रिया कर यह एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। वहां से कोई भी इसको वर्कर लेकर के इकट्ठा कर सकता है और इसकी पैकेजिंग कर सकता है। आप जिस हिसाब से बेचना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। अगर आप मशीनरी चाहते हैं कहां से मिलेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी का नंबर दिया हुआ है, आप वहां से नंबर लेकर के कंपनी को कॉल कर सकते हैं और मशीन की कीमत के बारे में जान सकते हैं, साथ ही रॉ मटेरियल के संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए बिजनेस रिलेटेड